हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशंजीत और स्वागत करता हूं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल प्रोस्ट प्रेजेंट पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे इंडियन रेलवे की ट्रेनों में तरह तरह की कोचों की पार्ट करके इन कोचों की इंटीरियर का भी अलग अलग से डिजाइन किया गया है, जिनमें फास्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार जैसा अनेक क्लास शामिल है। और इन अलग अलग क्लासों के इंटीरियर के साथ किराया का भी काफी अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की स्लीपर क्लास कोचों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्लीपर क्लास को लंबी दूरी यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन कोचों में यात्रियों के लिए रात को सोने का सुविधा भी उपलब्ध किया गया है। और स्लीपर क्लास में चार शौचालय के साथ दो बेसिन भी दिया गया है, जो हर कोच की दोनों कॉर्नर में होता है। और स्लीपर क्लास के एक केबिन में 8 सीट होता है, जिसमें दो अपर बर्थ, दो मिडिल बर्थ, दो लोअर बर्थ और एक साइड लोअर और एक साइड अपर बर्थ होता है। और इस कोच में कंबल, चादर और खाना जैसा चीजों को प्रदान नहीं किया जाता है। ये सब चीजें पैसेंजरों को खुद से लेकर जाना पड़ता है, या तो पेंट्रीकार वालों से खाना खरीद कर भी खा सकते है। और दोस्तों, बाकी क्लासों की तुलना में स्लीपर क्लास काफी सस्ता होता है, क्योंकि ये क्लास नॉन एसी होता है। इसीलिए इस क्लास में मध्यम वर्ग के आदमी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और बात करूं अगर स्लीपर क्लास कोच की कैपेसिटी की, तो एक ICF स्लीपर क्लास कोच का कैपेसिटी 72 लोग प्रति कोच है और एक LHB स्लीपर क्लास कोच का कैपेसिटी 80 लोग प्रति कोच है। अगर आप लोगों में से किसी को ICF और LHB कोच के बारे में नहीं पता है, तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों, ज्यादातर लोग पहले सफर करने के टाइम एक प्रॉब्लम को फेस करता है, जो कि टिकट और अपना सीट को लेकर होता है। कॉन्फर्म टिकट बुक करने के बाद भी अपना सीट को ढूंढ पाना एक मुश्किल काम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं, उनको ये बात पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आज हम एक स्लीपर क्लास का टिकट लेकर ये डाउट क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टिकट आप लोग देख रहे हो, ये काउंटर टिकट नहीं है, ये एक IRCTC की ऐप से बुक किया हुआ ई टिकट है। आप लोगों को एक बात पहले बता दूं कि ई टिकट और काउंटर टिकट का वैल्यू सेम ही होता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ई टिकट को लेकर यात्रा करोगे, तब अपने पास एक वैलिड ID जरूर रख लीजिए, जैसे कि वोटर ID या आधार कार्ड, क्योंकि ट्रेन में जब TC आपका टिकट चेक करने आएगी, तब आपको आपका ई टिकट के साथ एक वैलिड ID प्रूफ भी दिखाना होता है। लेकिन अगर आपके पास काउंटर टिकट होगा, तो TC बहुत कम ही ID दिखाने के लिए बोलता है। फिर भी एक ID हमेशा अपने साथ लेकर यात्रा करना बहुत अच्छी बात होता है। तो जैसे कि आप लोग इस टिकट पर स्टेटस के नीचे CNF देख रहे हो, इसका मतलब कन्फर्म होता है। इससे ये पता चलता है कि आपका टिकट कन्फर्म है। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट पर है, तो आपका टिकट पर CNF की जगह WL जैसा कुछ लिखा होगा। और अगर आपका टिकट RSC पर है, तो CNF की जगह RSC लिखा हुआ होगा। और RSC का मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन होता है। और दोस्तों, टिकट पर CNF के नीचे जो आप S10 देख रहे हो, इससे आपका कोच को दर्शाया जाता है। हर ट्रेन में स्लीपर क्लास की कोचों को S1, S2, S3, S4 नंबरिंग करके दर्शाया जाता है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देखकर समझ सकते हो। और टिकट पर जो S10/18 लिखा हुआ है, इससे आपका सीट को दर्शाया जाता है। इसका मतलब आपका सीट S10 कोच के अंदर 18 नंबर सीट है। और MB का मतलब मिडिल बर्थ होता है। इसका मतलब आपका जो 18 नंबर सीट है, वो मिडिल बर्थ पर है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर पर देख सकते हो। और दोस्तों, स्लीपर क्लास को शॉर्ट में SL कहा जाता है, यानी आपका टिकट पर स्लीपर क्लास की जगह SL देखने को मिल सकता है। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्लीपर क्लास को ही शॉर्ट में SL कहा जाता है। तो ये था स्लीपर क्लास से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।